थोड़ी बजाते जो फूकेंगे, सुनिए ना, हम बेट बाजा वाला थोड़ी है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उसको पाइप को मुंह में लेना है, ठीक है? हल्का फूकिए, खाली हल्का सा फूक मारना है। ये बोल रहे फूकने, ना, ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो हल्का सा फूक मारिए, हल्का सा। अब हम आपका वही बोल रहे फूकने, हां वो छोड़िए, फूकेंगे जो बोल रहे वो बाजा थोड़ी बजाने वाला है लुंडा, ठीक है? जब ये यही हाथ रहे आपका, देखिए मुंह में आया था, हल्का सा मुंह में, हल्का मुंह में लीजिए, आइए आप थूकना है तो थूक लीजिए, ठीक है? आइए एक मिनट, हम भी रुकिए, आइए इसको ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, नहीं फूकेंगे, आइए। तो यहाँ देख सकते हैं, अब पुलिस कर्मियों के द्वारा बोला गया कि आप चेक करवा लीजिए, नहीं चेक करवा रहे हैं, तो अंततः यहाँ आप देख सकते हैं अब PCR को बुलाया जा रहा है। दारू पी के गाड़ी चलाने वालों पे रांची ट्रैफिक पुलिस की गिरी गज। 11 तारीख की रात पूरे शहर में चला अभियान, कईयों को लिया गया हिरासत में तो कईयों पे किया गया जुर्माना। कुछ दिन पूर्व SMP न्यूज ने यह सवाल उठाया था कि क्या ड्रंकिंग ड्राइव अब रांची में नहीं चलेगा। इसको संज्ञान में लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम छेड़ दिया है और आगे के लिए भी सख्त चेतावनी रांची के ट्रैफिक DSP ने दिया। क्या क्या हुआ 11 तारीख की रात में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रांची के ट्रैफिक DSP ने क्या कुछ कहा और कौन सी वो दे दी है चेतावनी। आगे भी आपको रहना होगा अब संभल के। देखते हैं खबर को विस्तार से। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले खबरों में देखा होगा कि हमने एक हेलमेट का खबर दिखाया था कि किस तरह से ड्रंकिंग ड्राइव यदि आप करते हैं तो उसके लिए बच्चों के द्वारा एक आविष्कार किया गया था। खैर, वो तो बात की बात ही, उसी क्रम में हमने कहा था कि ड्रंकिंग ड्राइव यदि देखा जाए तो रांची में काफ़ी देखा जा रहा है, लोग ओवर ड्रिंक करके गाड़ियों को चला रहे हैं और एक्सीडेंट भी वैसा ही हो रहा है, और यदि मरने वालों की संख्या देखें तो ड्रंकिंग ड्राइव की ज़्यादा है। इसको देखते हुए यदि हम बात करें तो अभी तत्काल फिलहाल पूरे शहर में रात्रि के तकरीबन अभी 10:30 बज रहे हैं और व्यापक मुहिम चल रहा है ड्रंकिंग ड्राइव का। हर गाड़ियों को रोका जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और DSP, यदि हम बात करें, अभी जहां मैं मौजूद हूं सुजाता चौक में अभी हम खड़े हैं और यहां पे मौजूद हैं खुद रांची के ट्रैफिक DSP जितवाहन उड़ाव, इनके देखरेख में, इनके निगरानी में ये अभियान चल रहा है और हर एक गाड़ियों को रोका जा रहा है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, सबको रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है। बजाबते अभी हाईटेक मशीन भी आ चुका है, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अभियान चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं ट्रैफिक DSP जितवाहन उड़ाव। सर, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी व्यापक मुहिम आज रांची में चल रहा है, इसका मेन वजह? देखिए, जो लोग भी शराब पी करके वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, काफ़ी दुर्घटनाओं से लोग जोखिम में रहते हैं, इसको लेकर के हम लोग शराब पी करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध जो मोटर व्हीकल अधिनियम में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में जिसका भी पॉजिटिव अगर आता है तब हम लोग उस पर प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई, अभियोजन की कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में भेजते हैं। ये कार्रवाई लगातार हम लोग करेंगे इसके बाद भी। और सर, यही देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि जो भी ट्रैफिक बूथ हैं उनको भी ये मशीन मुहैया कराया जाए और जो भी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं चेकिंग के दौरान उन्हें भी चेक किया जाए या जो हाई स्पीड गाड़ियां चल रही हैं उनको रोका जाए? बिल्कुल, अभी भी हम लोग रांची में कई जगह पे चेक कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि और भी जगह पे मैक्सिमम जगह पे हम लोग चेकिंग करें और इससे लोग मतलब जागरूक हों कि आप शराब पी करके वाहन ना चलाएं, क्योंकि शराब पीने के बाद आपका नियंत्रण वाहन पर नहीं रहता है जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं, काफ़ी क्षति होती है। इसी को लेकर के हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और ये अभियान लगातार चलेगा। और सर, यदि हम बात करें इसमें जो ये मशीन अभी मैं जिस दर्शकों आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह से वो मशीन काम कर रहा है, तो सर इसका क्या है, मतलब कैसे ये काम करता है?
बिल्कुल, ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो आपके ब्लड कंटेंट में जैसे ही जाता है, अगर हम ये आपका ब्रेथ हम लोग जैसे ही टेस्ट करते हैं, ये मशीन ये हमको बता देता है कि भाई कितना मिलीग्राम आपके ब्लड में अल्कोहल है। तो इससे पॉजिटिव हम लोग को पता चलने के बाद हम लोग आप पर जो मोटर व्हीकल एक्ट में 185 सेक्शन है उसके तहत कार्रवाई करते हैं। इसका पैरामीटर क्या है सर? पैरामीटर देखिए, आप अगर 30 मिलीग्राम, अगर पर 100 मिलीग्राम में 30 मिलीग्राम अगर आपने अल्कोहल आपके ये पे आ रहा है टेस्ट में, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। थैंक यू सर। तो अभी आप सुन रहे थे रांची के ट्रैफिक डीएसपी जित वाहन उड़ाव को, और सख्त चेतावनी भी उन्होंने दिया है। और ये जो अब ड्रिंकिंग ड्राइव, यानी जो आप नशे में, नशे की हालत में गाड़ी आप चला रहे हो, और यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। और किस तरह वो भारी पड़ रहा है तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कम से कम ले रहे हैं तो लिमिट में लें, खैर नहीं लें सबसे बेटर है। कोई ये अमृत नहीं है, अमृत पान आप नहीं कर रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें, सबसे बड़ा सवाल है। और यातायात नियमों का पालन करें, सबसे बड़ा सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आखिर हम ड्रिंक ले ही क्यों। लेना है घरों में जाएं आप ले, नशे की हालत में आप गाड़ी को चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, तो आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी, दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आपका घरों में आपका कोई इंतजार कर रहा है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये जो ड्राइव चल रहा है ये रुकने वाला नहीं है, जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी ने कहा। लेकिन जो हमने कहा कि किसी का चेहरा मैं इस खबर में नहीं दिखाऊंगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, कुछ कानूनी अड़चने भी हैं इसमें, तो उनका मैं चेहरा इस पे नहीं दिखाऊंगा, वो ब्लर होकर के आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आज तो ये चेहरा ब्लर है, हो सकता है कि पेपर के माध्यम से आप तक पहुंच भी जाए। तो भाई अपना इज्जत है, संभाल के रखें, लेना भी हो तो घर में लें, मारे और चुपचाप सो जाएं। और फिर से मैं कहूंगा नहीं लें सबसे अच्छा है। बहरहाल आइए, कुछ लोगों को जब पकड़ा गया तो क्या कुछ हुआ, देखते हैं तस्वीरों को। और फिर से मैं वही कहूंगा, माने ना माने आपकी मर्जी, पकड़े जाएंगे परेशानी आपकी बढ़ेगी। एक और लगा दीजिए, एक और बैरियर लगाइए, चलिए लगाइए बैरियर लगाइए। एक वहाँ एक क्या है, क्या है क्या चीज है कि पकाएगा परिवार वालों को जाने दीजिएगा, परिवार वालों को जाने दीजिएगा, लेकिन माइक को नहीं दिया जाए। एक सेकंड रुकिएगा, आराम से फूकिएगा, और कुछ करना नहीं है, पाइप को मुंह में लेके जितना है फूकना है, ठीक है, ताकत नहीं लगाना है, फूकिए फूकिए। वो तो माइक ही ले जाएंगे, पिया उन्होंने इसका थोड़ा सा कुछ दूसरा गुटखा फुटका खाया, फुटका खाया है, ड्रिंक नहीं लिया जी, नहीं एकदम ड्रिंक नहीं लिए हुए हैं। ड्रिंक लेंगे तो मशीन तुरंत बता देगा कि ड्रिंक ये किए हुए, अभी ये ड्रिंक नहीं किए हुए। हल्का तालका थोड़ा लंबा फूकिए, बस हो गया। कट रहा है तो भाग कर रहा है, क्या नाम है? रोहिणी चक बॉर्डर, क्या रुपये हैं? एक कैन बियर अभी नहीं, मैं खोली जाएगा, खोली फूकिए, जितना कैसे फूकिए। ठीक है, जाइए जाइए।
फूकेंगे सुनिए ना, हम बेट बाजे वाला थोड़ी है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, उसको पाइप को मुंह में लेना है, ठीक है? हल्का फूकिए, खाली फूक मारना है, ये बोल रहे फूकने, ना ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो हल्का सा। अब हम आपका वही बोल रहे फूकने, हम पेटे फूकेंगे, जो बोले वो बाजा थोड़ी बजाने वाला है लुंडा, ठीक है? जब ये हाथ रहे आपका, देखिए नहीं आया था, हल्का मुंह में लीजिए, आइए आप थूकना है तो थूक लीजिए, ठीक है? आइए एक मिनट, हम भी रुकिए। अभी इन्होंने फूका कितना आया? 119 आया। वो क्या ओवर ड्रिंक है? हाँ थोड़ा सा ज्यादा ओवर ड्रिंक है, ड्रिंक किए हुए हैं, ड्रिंक किए हुए हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।